नमस्ते दोस्तों, मैं हूं शाहिल। आपने लॉग इन किया है इंडिया समाचार। अगर आपको हमारी टीम की मेहनत पसंद आए तो चैनल सब्सक्राइब कर हमें और हिम्मत दें। धन्यवाद। धमतरी में आज NSUI के छात्र छात्राओं व कार्यकर्ताओं के द्वारा कलेक्ट्रेट का घेराव कर कलेक्ट्रेट के नाम डिप्टी कलेक्टर राजीव पांडे को ज्ञापन सौंपा गया, जिसमें मुख्य तरी मांगे इस प्रकार थी। कंडेल कुकरेल अमदनी में PG शासकीय महाविद्यालय खोला जाए, प्राइवेट स्कूलों में मनमानी फीस पर रोक लगाई जाए, जिला अस्पताल में विशेषज्ञ डॉक्टरों की भर्ती जल्द से जल्द की जाए, बेरोजगार युवक को रोजगार मुहैया, बेरोजगारी भत्ता दिलाना अहम माना जाए, पत्रकारिता के विषय BCSPG महाविद्यालय में प्रारंभ करवाए जाए, कोलियारी में डॉलर मार्ग चौड़ीकरण करने व अन्य मांगे आदि शामिल थी, जिसमें जिला कांग्रेस कमेटी के तमाम नेता विधायक पूर्व विधायक शामिल रहे। वहीं डिप्टी कलेक्टर ने कलेक्टर के संज्ञान में डालकर उचित कार्रवाई करने का आश्वासन लोगों को दिया। स्वागत करता हूं आदरणीय चलन रहे आपसे निवेदन कि इस मंच पर एक हम भैया की कलेक्टर इस बड़े राज्य में इतने जनसंख्या कॉलेज नहीं भेजते कि भैया जिला है इतना दूर है अकेली लड़की साइकिल पे जाएगी क्यों भेजे। और ये कारण बहुत क्योंकि मैं आमदी से आई हूँ तो आमदी में कॉलेज खुलेगी तो और बस आमदी की और आज की और जितने भी छात्र हैं जो बढ़ना चाहते हैं आगे पढ़ना चाहते हैं है आपके ऊपर और मैं खुदरा हो तो रोती है बहना उसके लिए भारतीय जनता पार्टी के लोग जो हमारे नगर पंचायत अध्यक्ष है ये भी आए थे और बोले थे कि ये चालू हो जाएगा घोषणा किए उसके बाद मुख्यमंत्री जी ने भी इसका घोषणा किया है उसके बावजूद कॉलेज स्टार्ट नहीं हुआ। शिक्षा और स्वास्थ्य हमारे जिले में पूरे प्रदेश में जहाँ भी भाजपा के राज्य है वहाँ पूरा पूरा व्यवसायीकरण हो रहा है। बाहर के लोगों को आमंत्रित किया जाता है कि आप कॉलेज खोलो स्कूल खोलो। मैं बता देता हूँ आपने बता पाएंगे 3 साल तक के हुआ अभी तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं अभी नहीं हुआ अभी तक कुछ वो भी आपने कहा 3 दिन के अंदर हो जाएगा सिर्फ आश्वासन इस शासन से किया वही हमारे अधिकारी भी आश्वासन देने लग गए। डिप्टी साहब एक बोलना ये है कि धमतरी जिला है और कुरुद में सारे चीज खुल रहे हैं धमतरी का क्या होगा धमतरी के लिए भी तो कुछ सोचो आप लोग बैठे हो कुछ नहीं 6 महीने के बाद सरकार मुख्यमंत्री नौवीं के लिए सरकार दूर दूर हाई स्कूल खोल रही कहाँ जाओगे पिछले 14 सालों से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है इस प्रदेश में और निरंतर जो स्कूल है निजी स्कूल वाले मनमानी तरीके से अपने फीस में वृद्धि करते जा रहे हैं। नर्सरी की फीस 1-1 लाख तक पहुंच चुकी है। इस बढ़ती हुई फीस ने एक आम आदमी की कमर तोड़ दी है महंगाई से। इसी के विरोध में एक हम लोग मूवमेंट चला रहे हैं पूरे प्रदेश में सरकारी जेब कतरा बोल के, जिसमें हम लोगों ने 6 जिलों में अभी तक कलेक्टर घेराव कर चुके हैं। आज हम धमतरी जिले पहुंचे थे यहां पर, लेकिन हमेशा की तरह छात्रों की बात सुनने के लिए कलेक्टर महोदय मौजूद नहीं थे तो हम लोगों ने SDM ज्ञापन दिया है। और बहुत दुख की बात है कि जिले के सबसे बड़े PG कॉलेज में जहाँ पर छात्राएं लड़कियां भरी दोपहर में अपनी मांग को लेकर आई थी कि हमें उन्हें केवल MSc का सीट चाहिए, लेकिन डॉक्टर रमन सिंह का दुर्भाग्य कि वो करोड़ों के विकास यात्रा निकाल रहे हैं लेकिन कॉलेज में एक आम छात्र है अपनी पढ़ाई के लिए तरस रहा है। हमारी मांगे जनता से जुड़ी हुई है, छात्रों से जुड़ी हुई है, पालकों से जुड़ी हुई है। अगर हमारी मांगे पूर्ण नहीं होती है तो हम सड़क की आंदोलन लड़ेंगे, सड़क की लड़ाई लड़ेंगे, चाहे वो मंत्री जी का घेराव हो या फिर चाहे सड़क में चक्का जाम करना हो। हम लोग किसी भी हद तक अब जा सकते हैं क्योंकि हमें अब सिर्फ छात्रों के हित के लिए काम करना है और छात्रों के हित के लिए कुछ भी करने के लिए हम तैयार रहेंगे।
का कुछ मांगों के संबंध में ज्ञापन दिए हैं। कुकरेल और आमदी में कॉलेज के लिए मांग कर रहे हैं लोग, तो शासन स्तर पर विचाराधीन है, बोरू से ही मामला अपने मैं कलेक्टर महोदय संज्ञान में लाऊंगा और आगे उचित कार्रवाई किया जाएगा उसके संबंध में। ठीक है।